आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्तम का 9वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वे मनुष्य को मन वांछित कार्यों में निर्विघ्न सफलता प्राप्त होती है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख माह का महत्तम सुनाते हुए बताया कि जब ऋषि श्रुतदेव ने मिथिलापति को बताया कि अन्न और जल का दान ना देने के कारण इक्ष्वाकु वंश के राजा को अनेक पशु पक्षियों व छिपकली जैसी योनियों में से गुजरना पड़ा, तो ऋषि की बातें सुनते सुनते मिथिलापति के मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। उन्होंने ऋषि श्रुतदेव से पूछा कि अन्न जल का दान ना देने और साधु महात्माओं की सेवा ना करने के कारण राजा को चातक, गिद्ध और छिपकली की योनि मिली, लेकिन राजा ने अपने जीवन में किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया था। फिर बिना किसी कारण के उस राजा को कुत्ते की योनि किस कारण मिली, मैं ये जानना चाहता हूँ। हे ऋषिवर, इस बात को लेकर मेरे मन में कई तरह के संदेह उठ रहे हैं, कृपया आप मेरी शंका का निवारण करें। मिथिलापति की बात सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव जी ने कहा कि तुम धन्य हो। हे राजन, तुमने बड़ा अच्छा व धार्मिक प्रश्न पूछा है, सो अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे मन की इस शंका का भी निवारण करता हूँ। ये वार्ता देवादिदेव महादेव ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी से कही थी। सब लोकों की रचना कर उनको परलोक और लोक दो प्रकार की स्थिति बताई थी और इनकी स्थिति के निमित्त तीन भेद भी बताए थे। हे राजन, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि की सेवा, यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, जबकि साधु सेवा, भगवान विष्णु की पूजा व धर्म, ये तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे खुद के कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती हैं। हे राजन, एक समय दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब उनको आए देख भोलेनाथ जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि महादेव ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर और गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सभी शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं सेवकों के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति मेरे प्रिय ससुर हैं, ऐसा विचार कर उनकी भलाई के लिए वह नहीं उठे, लेकिन शिव के न उठने के कारण दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और महादेव के आगे ही वह उनकी निंदा करने लगा।
दक्ष प्रजापति ने कहा कि देखो इस द्रिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसके पास एक बूढ़ा बैल है जिसके शरीर पर भी केवल चरम ही रह गया है। ये कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी और महा अपवित्र है। ये किसी का शुभ कार्य नहीं करता। दरिद्रता के मारे शीत से दुखी होकर हाथी की चरम को ओढ़ता है। सर्प इसके आभूषण है और शमशान इसका घर है। धीरज और ज्ञान नाम की इसमें कोई चीज नहीं है। भस्मासुर के डर से ये दूर भाग गया था। भूत प्रेतों के साथ रहता है तथा इसके कुल का कोई अता पता तक नहीं है। दुरात्मा नारद ने व्यर्थ ही इसकी इतनी बड़ाई कर दी जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के घर पहुंचने से किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही अब मेरी कन्या का भी मेरे से कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया और बड़े कुवाक्य बोलकर वापिस चला गया। दक्ष ने वापिस लौटकर ऋषि मुनियों को बुलाया और यज्ञ स्थल पर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। हे मिथिलापति, इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु जी भी नहीं आए, लेकिन सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस और अन्य सभी देवता यज्ञ में पहुंच गए। सती के मन में भी यज्ञ देखने की लालसा उत्पन्न हो गई। सती ने सोचा कि मैं भी किसी तरह यज्ञ का उत्सव देखूं और इसी बहाने मैं अपने सभी सगे संबंधियों से भी मिल लूंगी। हे राजन, जब सती ने यज्ञ में शामिल होने की इच्छा भगवान शंकर के समक्ष रखी तो महादेव ने उसे यज्ञ में ना जाने की सलाह दी। भोलेनाथ के बार बार समझाने के बावजूद वह नहीं मानी और जाने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर ने कहा कि हे भद्रे, तुम्हारा पिता सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है। यदि उस समय ऐसा हुआ तो तुम सहन नहीं कर पाओगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इतना समझाने के बावजूद सती नहीं मानी और चुपचाप कैलाश पर्वत से अपने पिता के घर के लिए चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठा लिया। कितने ही भूत प्रेत आदि भी उनके साथ चल पड़े। जब सती अपने महल में पहुंची तो वहां किसी ने भी उनके साथ बात तक नहीं की। तब भगवान शंकर की बातों को याद करती हुई वह यज्ञशाला में पहुंची, लेकिन वहां पर भी सभा के लोग सती से कुछ भी ना बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र भगवान की आहुति तक वह पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष प्रजापति ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध में भर कर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। हे पिता, यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं उनमें से भी किसी ने आपको सद्बुद्धि नहीं दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि विधाता तुम्हारे साथ साथ इनके भी प्रतिकूल है। हे मिथिलापति, जब सती यह वचन कह रही थी तब पूषा देवता मुंह फाड़ कर हंसने लगे और कर्महीन भृगु अपनी दाढ़ी मूछ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगा। ये सब बातें देखकर सती का क्रोध बढ़ गया और अपने पति की निंदा सुनकर
प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते वह हवन कुंड में कूद गई। सती के हवन कुंड में गिरते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। उधर भगवान शंकर के गण तत्काल भागकर कैलाश पर गए और महादेव को सारी बात सुना दी। महादेव ने कालांतक रूप धारण कर लिया और क्रोध से अपनी जटाएं उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हो गया। हे राजन, भगवान शंकर ने उस वीरभद्र को आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को अपना शरीर त्याग देना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाते ही यमराज की तरह दिखने वाला और हजारों भुजाओं वाला वीरभद्र शीघ्र यज्ञशाला में पहुंच गया और वहां उपस्थित देवताओं, असुरों और मनुष्यों को मारने लगा। उसने भृगु की दाढ़ी मूछें उखाड़ डाली। सती के सामने जिसने जो अंग फड़काया था, वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। जब उसने दक्ष का सिर काटना चाहा, तो शुक्राचार्य ने अपने मंत्रों के बल पर दक्ष की रक्षा की, लेकिन फिर स्वयं रुद्र भगवान ने दक्ष का सिर काट डाला और यज्ञ में पहुँचे सभी का सहार करने के बाद महादेव कैलाश को लौट गए। जो मरने से बच गए, वे भागकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँच गए। तब ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए और अनेक प्रकार से समझाकर भगवान शंकर को शांत किया। उसके बाद ब्रह्मा जी भोलेनाथ को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुँचे और यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया। महादेव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए, उससे कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया और दक्ष फिर से यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। इति वैशाख महत्तम 9वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप पे, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।